अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं आज आपको करवाऊंगा ईरान की सैर, लेकिन हमने आज इंतखाब किया है एक मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करने का। पहले तो मैं टैक्सी के ऊपर करता था, लेकिन ये मेरा दोस्त है, उसको मैंने बोला आप किसी मोटरसाइकिल वाले को लेकर आओ। फिर उसका ये कोई दोस्त है, उसने बोला ये आपको घुमाएगा। ठीक है, ये है ईरान की फैक्ट्री एरिया। ठीक है, ये सारा फैक्ट्री एरिया है जिधर हम काम करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये फैक्ट्री एरिया, साफ़ सुथरा है। ईरान तकरीबन हर एक चीज़ की साफ़ सुथरी है। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपको हर चीज़ अच्छे से अच्छी मिलेगी। सही है, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, आपको कन्फर्म सारी मालूम मिल सकें। ठीक है, तो हम आज जा रहे हैं, लेकिन कुछ अपना काम भी है, बैंक का कार्ड बनवाने, बैंक अकाउंट ओपन करवाने। ठीक है, आपको सारी डिटेल बताते हैं क्या तरीकाकार है बैंक अकाउंट ओपन करवाने का, क्या बैंक अकाउंट ओपन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो लेकिन जो मोटरसाइकिल का ईरान में सफ़र है वो अपना ही मज़ा है। सही है, लेकिन पहले तो बहुत टैक्सी पर सफ़र किया, लेकिन मेरा दिल किया पाकिस्तान में भी बाइक के ऊपर, काफ़ी मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र किया। आज हम करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर इगास। ठीक है, ये देखें, आपको किसी भी जगह पर कोई कचरा नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, कितना खूबसूरत है जगह ये। ठीक है, वो बैंक है, वो बैंक बंद है क्योंकि बिजली यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम फिर फैसला किया कि हम सिटी की तरफ चलते हैं। सिटी नहीं है ये, इनका छोटा सा इलाका है, पहाड़ी एरिया है। ये देखिए दरख्त है, ठीक है, आपको मोबाइल बहुत खूबसूरत है। किसी किस्म की भी कोई इधर परेशानी नहीं होती, किसी किस्म की भी। ठीक है, ये देखें पहाड़ी एरिया बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों जो पहाड़ है वो ईरान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है। ठीक है, ये हम इनका लिंक रोड है उधर चलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रोड भी कितना साफ़ सुथरा है। ठीक है, लेकिन माशाल्लाह ईरान बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन आम लोग कहते हैं कि ईरान तरक्की नहीं, ईरान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये बाहर, मैंने बाहर से रोड के ऊपर से ये कैमरा लगा रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये हमारा फैक्ट्री एरिया का है। ठीक है, ये देखें ये कितनी, इधर हर आदमी के पास टैक्सी है, मोटरसाइकिल बहुत कम है, रखे हुए हैं लेकिन कम रखे हुए हैं इन लोगों ने। सही है, ये देख सकते, ये ट्रैफिक जाम है। ये देखिए, इन्होंने बिल्कुल भी अपनी लेन को आउट नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान हो ना, जिधर से रास्ता मिलता है जाने देते हैं। ये देखें इधर से कितना सफ़र है, जा सकते हैं, लेकिन वो अपना जो है रास्ता गलत इंतखाब नहीं करते। ठीक है, असूल के ये पाबंद हैं। ठीक है, कानून इनका बहुत सख्त कानून है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिक क्यों बंद है मुझे भी कुछ नहीं पता। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। मेरे ख्याल में ये ना सड़क जो है वो नहीं तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये मशीनरी है इनकी, इस वजह से रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है, लेकिन ना ट्रैफिक मेरे ख्याल में चल रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, हाँ ये रोड तैयार कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने ना ट्रैफिक अपनी जो है जाम हुई पड़ी है। तो ये देख सकते हैं, ये सारा पहाड़ी एरिया है। ठीक है, कितना खूबसूरत है, ये देखें किस तरीके से साथ जा रहे हैं। कोई बंदा नहीं है, सिर्फ उन निशान लगाए हुए हैं, सिर्फ उस निशान के ज़रिए गाड़ियां गुजर रही हैं। ठीक है, कोई भी अपनी जो है कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर रहा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन लिहाजा मैं तो आपको बताऊँगा, पाकिस्तान में है जिधर भी एक कानून के ऊपर अमल किया करें, कानून कोई भी ना तोड़े। कानून सब जैसा होता है, कानून किसी भी टाइम हरकत में आ सकता है, लेकिन वो आएगा किसी गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं। ठीक है, ये देखें, ठीक है, उनकी जिस तरफ भी आप देखें, खूबसूरती देखेंगे, सफाई देखेंगे उनकी। ठीक है, बहुत खलाक इखलाक प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, सही है। मुझे तो ईरान ऐसे है जैसे मेरा अपना दूसरा घर ईरान है। ठीक है, ईरान में तो मेरा बहुत दिल लगा हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये भी फैक्ट्री एरिया है इनका, ये इसकी फैक्ट्री जगह का नाम का मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं कभी इस कारखानों में जो इधर है मैं आया नहीं, मैं अपने ही काम से जो है ना टाइम नहीं मिलता। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये माशाल्लाह इनके जो पहाड़ हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, किसी जगह पे इनका कोई पहाड़ के ऊपर कचरा नज़र नहीं आएगा, किसी सड़क के ऊपर या रोड के ऊपर कचरा नज़र नहीं आएगा, किसी फैक्ट्री में आपको कचरा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये कितनी सफाई
रखने वाले लोग हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। मैंने अभी तक किसी भी जगह पे कचरा नहीं देखा, ठीक है। ये कोई इनका बड़ा सिटी नहीं है, ये छोटा सा सिटी है, ये बड़ा सिटी नहीं है। ये देखें उनकी जो सड़कें हैं, जो इनकी गवर्नमेंट ने सड़कें तैयार की हुई हैं, रोड तैयार की हुई, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से इनकी गवर्नमेंट ने काम किया हुआ है। तो ज़री बात है, जब गवर्नमेंट अवाम को सपोर्ट करती है तो इनकी अवाम भी अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, सही है। ये आप देख सकते हैं जो इनके कानून हैं ईरान के, ईरान के कानून ऐसे हैं, जो गरीब एक गरीब घर है ना, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, महीने का राशन देती है, मेडिकल की सहूलतें देती है, मेडिकल तो हर ईरानी को सहूलतें मिली हुई हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है, गैर कानूनी काम नहीं करना, इनका जो कानून है बहुत सख्त कानून है, ठीक है, ये जहन में बात रखनी है आप लोगों ने, सही है। ये देखें हर तरफ से जो रोड निकल रहा है साफ़ सुथरा है, ठीक है, कोई टूटा हुआ रोड आपको नज़र नहीं आएगा, कोई इधर एमपीएन नहीं है, ठीक है, जो लाखों करोड़ों उसको फराम करेंगे जी ये रोड तैयार करें, और उधर उसका इश्तहार लगेगा ये इसने रोड तैयार किया हुआ है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। इधर जो काम करना है गवर्नमेंट ने खुद करना है, सही है, कोई इधर करप्शन वाला सीन नहीं है, ठीक है। आपको हर जगह आएँ ईरान का एक दफ़ा विज़िट करें, आपको फजूल में यहाँ पे कोई भी खर्चा नज़र नहीं आएगा। ये देखें ये इन्होंने छोटे छोटे बाग लगाए हुए हैं, ठीक है, पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। ये देखें ये पहाड़ है, इनका आपको कचरा इधर भी नज़र नहीं आएगा, सही है, ये देख सकते हैं आप इसे। लेकिन जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है मुझे इससे भी बहुत डर लगता है, किसी टैक्सी में ना लगा दे, मुझे बहुत डर लग रहा है इसका, ये किसी टैक्सी में ना लगा दे, सही है, क्योंकि एक दफ़ा ये लगाने भी लगा था, लेकिन फिर मैं अल्लाह अल्लाह करके मैंने बोला अल्लाह ही खैर करे आज ये क्या करता है। तो लेकिन ये क्या करता है जी, जब ये रोड गुजरने की कोशिश करता है ना, ये जल्दी करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेशक गाड़ी आ रही है पीछे से, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ना, लेकिन है मैं मोटरसाइकिल के ऊपर हैं हम, ठीक है, तो लेकिन अगर मैं पैदल होता तो आपको मज़ीद वीडियो बेहतर आती, बेहतर आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, इनके जो मकान हैं, ठीक है, वो भी मैं चेक करवाता हूँ। इनके बाहर से जैसे मर्जी मकान है, जो अंदर से आप देखेंगे ना, जब इनके मकानों के अंदर जाएंगे, रूम के अंदर जाएंगे, वो आपको मैं कहता हूँ अमरीका के सदर का भी ऐसा रूम नहीं होगा जितने खूबसूरत ईरानियों के हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सही है। तो अगर आप लोगों ने विज़िट लाजमी करें एक दफ़ा, सही है, ये देखें ये कच्चे मकान है साथ में, और ये इनकी कोई फैक्ट्री वगैरह तैयार कर रहे हैं, सही है। तो ये हमने दूसरी तरफ फ्लोर के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सही है, किस तरीके के साथ इन्होंने अपनी तरतीब बनाई हुई है, कितनी खूबसूरती है, ठीक है। किसी ने सड़क के ऊपर या रोड के ऊपर अपनी गाड़ी खड़ी नहीं की, सही है, अगर की होगी वो एक लाइन में होगी, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक जाम ना हो, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। काम इधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम उसके लिए जिसको ज़बान आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा, ये फारसी को ही तरजीह देते हैं, कोशिश करें ज़बान सीख लें नॉर्मल सी, जो आपके लिए भी आसानी पैदा करें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर घूमें ईरान तो ईरान की इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। अगर आप लोगों ने ईरान में शादी करनी होगी वो मैं एक ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप शादी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको सहूलतें मिल सकती हैं ईरान में, ठीक है, तो मैं आपको मुकम्मल अपडेट दूंगा, ठीक है ना। इनकी कोई ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नज़र आएगी आपको किसी जगह पर, अगर आप कानून तोड़ रहे हैं, सारा तोड़ दिया है, ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा इतने का चलान हो गया है, सही है। तो ये मैं आपको इसलिए मैंने मोटरसाइकिल का इंतखाब किया, मैंने बोला चलें मैं अपने दोस्तों को एक वीडियो अच्छी सी बना के चेक करवाता हूँ, ठीक है, ईरान असल है में है कितना खूबसूरत, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन हर जगह पे आपको एक से एक बढ़ के आपको खूबसूरती नज़र आएगी, ठीक है, ये देख सकते हैं। लेकिन हम जो बैंक अकाउंट के लिए निकले हुए हैं, ठीक है, वो देखते हैं क्या बनता है, कितनी जलालत है, कौन कौन से पेपर चाहिए उसके लिए,
सही है, मैं सारी आपको डिटेल दूंगा। सही है, ये देख सकते हैं, ये ईरान है, कोई तुर्की नहीं है, कोई और मुल्क नहीं है, दुबई नहीं है, ठीक है, ये ईरान है, ये देख सकते हैं आप। सही है, तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, वीडियो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें। इंशाल्लाह आगे वाली जो वीडियो है ना, मैं कोशिश करूँगा शादी के बारे में ईरानी को अपने पास बैठा के उससे सारी मालूम भी लूँ और उसको भी वीडियो के अंदर लेकर आऊँ, ठीक है, वो सारी बात बताएगा। सही है, मज़ीद आपको उनसे कन्फर्म मालूम लेकर मैं आपको दूँगा। ये हम निकल पड़े हैं, बीमा हो चुका है हमारा, ठीक है, बीमा ऑफिस के थे, बीमा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं बैंक की तरफ। एक बैंक में गए हैं, उन्होंने बोला एक और फार्म लेकर आओ, ठीक है, वो फार्म था तेहरान से मिलना हमें, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर ये हमें बताया भी आप ऐसे करें जहाँ से आपने बीमा करवाया बीमा ऑफिस चले जाएँ हेडक्वार्टर में, वहाँ से आपके फिक्र होंगे, वो आपको एक टोकन देंगे, वो जहाँ से पहले आपने बीमा जमा करवाया वहाँ पे जाके जमा करवाएंगे, वो मेल करेंगे तेहरान, तेहरान वाले आपको मेल की वेरीफाई करके देंगे और वो आपको एक रसीद देंगे जिसके ऊपर वो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है, ठीक है, तो लेकिन फ़िलहाल मेरा बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, इंशाल्लाह फिर कुछ दिन बाद आएंगे, ठीक है, छुट्टी वाले दिन, और अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने में करवा लेंगे हम, ठीक है। लेकिन ये देखें आप, ठीक है, तो यहाँ के बैंक अकाउंट बहुत मुश्किल से ओपन होते हैं, ये मैं आपको बात बता दूँ, बहुत मुश्किल से बैंक अकाउंट ओपन होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ईरानी मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मालक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं हर हाल में आपका अकाउंट ओपन करवाएँगे बैंक अकाउंट, ठीक है, तो लेकिन लिहाजा फिलहाल आज तो नहीं हुआ, इंशाल्लाह फिर हम आएंगे किसी और दिन छुट्टी वाले दिन और बैंक अकाउंट ओपन हमारा हो जाएगा। मेल हमने करवा दी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये चौक है, ये मेरे ख्याल में ऐसे लगता है जैसे हम किसी शेंजन कंट्री में चले गए हैं, इंशाल्लाह शेंजन का भी हम सफ़र करेंगे, देखेंगे शेंजन में क्या चीज़ है जो लोग भागते हैं शेंजन की तरफ, ठीक है, इंशाल्लाह हम भी उधर जाएँगे तो वो भी देखेंगे शेंजन में हाथ है क्या चीज़, क्या उधर लड़कियां खूबसूरत है इसलिए लोग जाते हैं, या पैसा उधर इतना ज़्यादा है, पैसा ईरान में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काम करने वाला हो पैसा ईरान में भी बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं रोड के ऊपर भी उन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं, ठीक है, तो हमने ये गली से गुजर के जा रहे हैं, ठीक है, ये छोटी सी गली है, ठीक है, आगे एक और रोड आएगा, सही है, रोड से हम गुजरते हुए फिर दोबारा एक दफ़ा ट्राई ये लगाएगा बैंक की तरफ, ठीक है, तो मैंने तो इसको बोला बैंक को छोड़ो इधर ही घुमाएँ घुमाते रहो, ठीक है, लेकिन मुझे सैर करवा दें, ठीक है, एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों को चेक करवा सकूं कितना खूबसूरत है ये, ठीक है, ये है इनकी पार्क, ये देख सकते हैं, लेकिन आगे से मैं वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है, तो मैं कॉल पे लगा हुआ था, ठीक है, ये है इनकी पार्क, लेकिन इंशाल्लाह इस पार्क का किसी दिन मैं आपको विज़िट करवाऊँगा, बहुत खूबसूरत पार्क है, सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, तो दुआओं में मुझे भी याद रखना है, इंशाल्लाह पाक आपको मुझे तरक्कियाँ दे, किसी और वीडियो में मिलेंगे।